महाराष्ट्र में तूफान तौक्ते के चलते तट के इलाकों में तेज हवाएं और बारिश शुरू हुई। आदाब, मैं सलमा कच्ची, लंत्रानी न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के तट के इलाके कोकण के सिंधुदुर्ग जिले में तूफान तौक्ते के चलते जिले में तेज हवाएं चलने लगी और रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। सिंधुदुर्ग जिले के विंगुरले तालुका में केल्स बंदरगाह पर लहर की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ रही है। जिले में कई हिस्सों की में बिजली आपूर्ति ठप है। तट के इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। समुद्र का जल स्तर बढ़ गया है और लहरों की ऊंचाई भी बढ़ गई है। तट के इलाकों के लोग चक्रवात को लेकर स्थिर हो गए हैं। वहीं इस तूफान का असर सिर्फ तट क्षेत्र तक नहीं सीमित है, बल्कि साथ ही एहतियात के तौर पर मुंबई के दहिसर, बांद्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी और मुलुंड के जंबो कोविड स्वास्थ्य केंद्र से कुल 580 कोविड संक्रमित मरीजों को नगर नियम के विभिन्न अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है और ये जंबो कोविड स्वास्थ्य केंद्र अस्थायी रूप से बनाए गए हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियात के तौर पर मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। तूफान के राज्य ने स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने से निर्देशन दिए हैं और मछुआरों को समुद्र न जाने की चेतावनी भी जारी की गई है। साथ ही NDRF की 3 टीम मुंबई में तैनात की गई है और जरूरत पड़ने पर अन्य टीमों को स्टैंड बाय रखा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, लंत्रानी न्यूज, मुंबई।